बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले यहाँ के प्रधानमंत्री मराठे ने कहा भी था कि सुधाकर, एक मिनट आपको वो रोकना उम्मीद चाहूंगी। हम पोर्ट मोरेस्बी से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। हम जानते हैं कि FIPC की अभी सह अध्यक्षता जो है उसकी मेजबानी प्रधानमंत्री करने वाले। आप देख सकते हैं कि जो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ एक बार फिर गर्मजोशी के साथ मिलते हैं प्रधानमंत्री, और कई ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको तोड़ा गया प्रधानमंत्री के लिए। और कल हमने देखा कि किस तरह से चरण स्पर्श कर जो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लिया। ऐसा कहा जाता है कि पापुआ न्यू गिनी में सूर्यास्त के बाद किसी का भी इस तरह से स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है और उनका स्वागत किया गया। एक वैश्विक लीडर के तौर पर, वैश्विक गुरु के तौर पर भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ, और कई वैश्विक मंचों पर हमने देखा कि किस तरह से G7 में भी प्रधानमंत्री की बातों को मुखरता से सुना गया और तमाम इन वैश्विक मंचों पर भारत की साख बढ़ी। प्रधानमंत्री FIPC जो ये फोरम है, इसका गठन 2014 में किया गया था और इसकी आज जो सह अध्यक्षता और मेज़बानी करने वाले और तमाम जो गणमान्य हैं, तमाम जो उनसे जुड़े प्रमुख लीडर्स हैं उनके साथ मिलते हुए प्रधानमंत्री, तो आज का ये जो FIPC का सम्मेलन है ये बहुत अहम होने वाला है। तमाम वो 14 देश उसमें शामिल हैं जिसमें पापुआ न्यू गिनी है। आप देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि भले ही 7 गुना छोटा देश है पापुआ न्यू गिनी भारत से, लेकिन रणनीतिक, आर्थिक और सामरिक लिहाज से भारत के लिए